अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? दिस इज़ मी वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपने वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा ग्लो सीरम शेयर करने जा रहा हूं। ऐसा सीरम जो कि आपके ब्राइटन अप करेगा और साथ में आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा हिफाजत करेगा। समर आ गया है तो समर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, सन टैन होता है और स्किन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, स्किन पे डार्क सर्कल्स वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ऐसा सीरम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि इस वेदर में बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, स्पेशली हर स्किन टाइप के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग सा मैं आज आप लोगों के साथ वाइटनिंग ग्लो सीरम शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरी स्किन के लिए जो अभी नहीं, ये शायद आपको थोड़ा बहुत ये ग्लो नज़र आ रहा हो मेरी स्किन पे। तो ये मैं सीरम यूज़ करता हूँ, ये सीरम की वजह से ही मेरी स्किन पे ये ग्लो है। तो ये सारा सीरम मैं आप लोगों के साथ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो लोग मुझे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ कि मैं अपने चैनल पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और दूसरी तरफ कुछ होममेड रेमेडीज DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएँ ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्लो सीरम बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहले इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इस तरह की जेल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास ओरिजिनल आपको ना मिले तो मतलब आप ये भी बाजारी यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ज़बरदस्त है, मैं खुद ये यूज़ करता हूँ। तो एलोवेरा जेल के बहुत से फ़ायदे मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँ। ये हीलिंग का काम करता है, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज बहुत अच्छी तरह से करता है, ये फिर हमारी स्किन पर जो स्कार्स वगैरह होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से खत्म करता है। तो इसलिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं इसको इस तरह से इस क्वांटिटी में लेके मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो गया इसमें, देन इसमें मैं यूज़ करने जा रहा हूँ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पे मेंशन हो गए, आप देख सकते हो। तो ये आलमंड ऑयल मेरे पास मरहबा वालों का है और ये आई थिंक 75 में या 100 में आपको इजीली मिल जाता है। तो ये मैं मरहबा वालों का रोगनी बादाम आलमंड ऑयल यूज़। तो जिनकी ऑयली स्किन है वो ज़रा कोशिश करें कि इसको कम क्वान्टिटी में ऐड करें। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करके हाफ स्पून समझ लें, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐड कर रहा हूँ। इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये मैंने 40 रुपीज़ का लिया था और इसमें बस अब इतना सा ही रह गया, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है जो DIY वगैरह बनाते हैं उनके पास घर में ये लाजमी होना चाहिए। तो मैं ये ऐड करने जा रहा हूँ। जितनी आलमंड ऑयल की क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी में मैं इसको लेके ऐड कर रहा हूँ। ना मिले तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कमर जेल। कमर जेल मैंने आपको बताया है कि बहुत ही अच्छा है कमर में हमारी स्किन के लिए। तो हमारी स्किन पे ये पार्ट जो गेल की तरफ काम करता है, ऐसा एज अ सन ग्लो काम करता है और मतलब सूरज की शुआओं से हमें बचाता है। जो सूरज की शुआओं से हमारी स्किन डैमेज होती है उसको भी क्लियर करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो देखो मैंने कितना ज़्यादा ये यूज़ कर लिया हुआ है, तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये, मैंने इसको लिया। हमारा इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई का ऑयल। अगर विटामिन ई का ऑयल ना मिले, मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो मिलते हैं कॉस्मेटिक्स वाली दुकान से विटामिन ई के कैप्सूल्स, मैं ये ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है मतलब इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो वो है टी ट्री ऑयल या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। और जो मेरे पास है वो टी ट्री ऑयल भी और लेवेंडर ऑयल है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। तो इसके भी देखो कितने ज़्यादा फ़ायदे छिड़के हुए हैं, आप देख सकते हो कि मतलब एंटीसेप्टिक है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे। तो ये भी मैं ऐड करने जा रहा हूँ।
तो इसके जस्ट मैं दो ड्रॉप्स ही ऐड करूँगा, तो ये मुझे कोई 300 का मिला था, आपको भी मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होगा। आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से इस शक्ल में आ जाएगा, थिक सा एक पेस्ट बनेगा। इनको अच्छे से मिक्स करना है आपने, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से बना है और ये इससे मेरे 15-12 दिन निकल जाएंगे इजीली, तो मैं सिर्फ इसी मिकदार में बनाया और इसको मैं स्टोर करने लगा। सो दिस इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट स्किन सीरम जो मैं यूज़ करता हूँ समर में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी स्किन पे ये ग्लो रखने के लिए। मेरे फेस पे ये निशानात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, मेरी स्किन पे पिंपल्स की ये जो निशान थे ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये सीरम काम क्या क्या करता है, ये आपकी स्किन पे स्किन जितनी भी डैमेज हुई हो उसको रिपेयर करता है। क्रीमों की वजह से जो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है वो इसको भी बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो है ककम्बर जेल। ककम्बर जेल गर्मी में हमारी जलती सुलगती स्किन पे फायर ब्रिगेड की तरह काम करती है और बहुत ही अच्छी और उसकी ठंडी तसीर होती है, स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है, जो कि समर में बहुत ही ज़रूरत होती है हमारी स्किन को। तो आप चाहो तो ककम्बर जेल भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ी सी ऐड की है, ठीक है। देन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ककम्बर जेल इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने यही कहूँगा कि आप लोग, मैंने मतलब चाहा था कि वीडियो में ना ऐड करूँ, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो ये ग्लो सीरम आपने यूज़ कैसे करना है, सुबह मुंह धोने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, रात को सोते वक्त आप लगा सकते हो, नाइट क्रीम से पहले आप ये लगा सकते हो, ठीक है। नाइट क्रीम फॉर्मूला क्रीम ना हो, वैसे जो अच्छी कंपनीज की होती है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी शेल्फ लाइफ मैं आपको बता दूँ 10-12 दिन है। अगर आपने ये टी ट्री ऑयल ऐड किया जो कि असेंशियल है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अगर आपने वो ऐड किया तो फिर आप इसको 15 दिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसने इसे आपने कूल और ठंड मतलब फ्रिज में नहीं रखना, बस एक ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो, ठीक है, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कितने दिन यूज़ करना है ये भी बता दिया है, कितने दिन रख सकते हो ये भी बता दिया, सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।